सत श्री अकाल जी सारिया नूं, स्वागत है तुहाडा यम तड़का पंजाबी कुकिंग दे विच। अज बनावांगे आपां हरी मिर्च दा बहुत ही टेस्टी ते चटपटा अचार। ते जिहड़े तरीके नाल तुहानूं मैं दस्सांगी उस तरीके नाल इह अचार पूरा साल खराब नहीं होएगा ते इसे तरह दा ही बनिया रहेगा। अचार चाहे कोई भी होवे खाने दे स्वाद नूं दुगना कर दिंदा है। ते रैसिपी शुरू करन तों पहलां मेरी एक रिक्वेस्ट है, जेकर तुसीं पहली बार मेरे चैनल ते विजिट कर रहे हो तां प्लीज़ मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग नूं जो सबसक्राइब करो ते नाल लगते बैल आइकन जो प्रेस करो तां कि मेरी आने वाली हर वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहानूं सब तों पहलां मिलन। ते आओ बहुत ही टेस्टी हरी मिर्च दा अचार बनाउण दी रैसिपी शुरू करदे हां। अचार बनाने लई इत्थे मैं 250 ग्राम हरिया मिर्चा लईआं हन। मिर्चा नूं चंगी तरह वॉश करके ते कपड़े नाल चंगी तरह सुका के थोड़ी देर पक्खे थले रख के सुका लिया है। तो मिर्चा देखो इस तरह दे होने चाहिए हन, एकदम कच्ची मिर्च नहीं होनी चाहिए, मिर्च थोड़ी पक्की हुई होनी चाहिए है। इन्हां दे बीज जिहड़े हन पक्के हुए होने चाहिए हन, तो मिर्च का अचार इस तरीके नाल खराब नहीं होएगा। जे आपां कच्चिया मिर्चा लवांगे तो अचार जल्दी खराब हो जाएगा। तो मिर्च हमेशा पक्के हुए बीज वाली होनी चाहिए है। हुण आपां मिर्चा दीआं डंडियां उतार देवांगे। मिर्चा को चंगी तरह धो के सुके कपड़े ना साफ करके कली कली करके एक कपड़े के उपर मैं रख दिता सीगा ताकि चंगी तरह इन्हों हवा फिर जाए। तो मिर्चा बिल्कुल अपनिया सुकिया हुई हैं, इन्हों पर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। हुण मैं गैस के उपर एक पैन रखा है, ये आप 100 ml सरों का तेल पावांगे। 250 ग्राम हरिया मिर्चा लई 100 ml तेल लग जाएगा। इन्ना तेल पाना जरूरी है, अचार बिल्कुल खराब नहीं होएगा। तेल हुण चंगी तरह गर्म कर लिया है, इन्हों आपां ठंडा होने वास्ते साइड पर रख देवांगे। हुण गैस के उपर एक दूसरा पैन रखांगे, हाले मैं गैस की फ्लेम ऑन नहीं की। इहदे विच आपां एक चम्मच जीरा पा देवांगे, दो वड्डे चम्मच पीली वाली राई लवांगे। अचार विच पीली राई बहुत ही वधिया लगती है, जे तुहाडे कोल पीली राई ना होवे तुसीं काली वाली राई भी लै सकते हो। एक छोटा चम्मच सुक्का धनिया ऐड करांगे, एक छोटा चम्मच मेथे दाणा लवांगे। मेथी अलग हुंदी है ते मेथे अलग हुंदे हन। एक वड्डा चम्मच सौंफ दा लवांगे, सौंफ दा टेस्ट अचार विच बहुत ही वधिया लगता है। ते हुण आपां गैस दी फ्लेम ऑन कर देवांगे। हुण आपां इन्हां मसालियां नूं मीडियम जी फ्लेम दे उपर हल्का जिहा भुन लवांगे। इन्हां मसालियां नूं बिल्कुल आपां मीडियम फ्लेम ते भुन के तैयार करना है, फ्लेम नूं बिल्कुल हाई नहीं करांगे, नहीं तां मसाले बिल्कुल जल जाणगे, टेस्ट खराब हो जाएगा। बस हुण पिन्नी पिन्नी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो हुण आपां गैस दी फ्लेम बंद कर देवांगे। बहुत ही वधिया अपने मसाले जिहड़े रोस्ट हो गए हन। हुण इन्हां मसालियां नूं चंगी तरह ठंडा कर लवांगे। मसाले हुण मैं चंगी तरह ठंडे कर लिया हन, तो इन्हां नूं आपां मिक्सी जार दे विच पा के दरदरे जिहा पीस के तैयार करना है। मसाले हुण मैं दरदरे जिहा पीस के तैयार कर लिया हन, तुसीं देख सकते हो इस तरह दे आपां दरदरे जिहे मसाले पीसे हन। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाउणा। मसाले तैयार करन तों बाद आपां मिर्चां दी कटिंग करनी है। इस तरह आपां छोटे छोटे पीस विच मिर्चां कट लवांगे। जे आपां पहलां ही मिर्चां कट के रख लवांगे तो मिर्चां जिहड़ियां हुंदियां हन बिल्कुल कालियां हो जाणगियां। देखो आ थोड़ा जिहा पीस खराब है, ये आपां साइड ते कर देवांगे। इस तरह का कोई भी पीस खराब होएगा तो उहनूं आपां अचार विच ऐड नहीं करांगे। तुसीं देखो मिर्चां मैं इस तरह छोटे छोटे पीसां विच कट के तैयार कीतियां हन। इस तरह की मिर्च का अचार जिहड़ा हुंदा है बहुत ही वधिया मसाले नाल रचिया मिचिया हुंदा है। इन्हां दे अंदर तक सारे मसालियां दे फ्लेवर चले जाणगे। हुण मिर्चा विच बहुत ज़्यादा बीज हैं, इस तरीके नाल आपां छाण के सारे बीज जिहड़े हैं अलग कर देवांगे, क्योंकि अचार वास्ते मिर्च आपां थोड़ी पक्के हुए बीजां वाली लैनी हुंदी है। कच्चे बीज वाली मिर्च होएगी तो अचार खराब हो जाएगा। तो इन्हां मिर्चा विच बहुत बीज हुंदे हैं, इन्हां नूं आपां इस तरीके दे नाल छाण के अलग कर देवांगे। मिर्चा नूं मैं चंगी तरह छाण लिया है। मिर्चा अपनियां जिहड़ियां इस तरह बिल्कुल साफ हो गईआं हन, तो एक्सट्रा बीज सारे निकल चुके हैं। इस तरह करन नाल मिर्चां दी कड़वाहट थोड़ी जी घट जाती है। हुण आपां अचार बनाउण वास्ते इत्थे एक खुला बॉल लवांगे, उहदे विच आपां कटियां होईयां हरियां मिर्चां पा देवांगे। दरदरे कुट्टे हुए मसाले मिर्चां दे विच ऐड कर देवांगे। आधा चम्मच इहदे विच आपां कलौंजी ऐड कर देवांगे। आधा चमचा हल्दी ऐड करांगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करांगे। इहदे नाल अचार दा कलर बहुत वधिया आएगा, पर यह मिर्च बिल्कुल भी कौड़ी नहीं हुंदी। दो चम्मच नमक दे ऐड करांगे। चम्मच का चौथा हिस्सा पावांगे काला नमक। काले नमक नाल अचार का टेस्ट बहुत वधिया आउंदा है। हुण इन्हां सारे मसालियां नूं चंगी तरह नाल मिक्स कर लवांगे। मसाले हुण चंगी तरह मिक्स हो गए हन। हुण जिहड़ा मैं तेल गर्म किया सी, बस हल्का जिहा मैं कोसा कर लिया है।
तो ये हम आप थोड़ी जी हिंग ऐड करांगे। चम्मच का चौथा हिस्सा मैं हिंग पाई है तो मिक्स कर देवांगे। तेल बस हल्का जहा कोसा जहा होना चाहिए है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। हूँ यह सारा तेल आप मिर्चा के ऐड कर देवांगे। हिंग पाउणा अचार खराब नहीं हुंदा ते फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा वधिया आउंदा है। तेल पा के चंगी तरह हुण आपां मिक्स करांगे। सारे मसाले चंगी तरह मिर्चां नूं लिपट जाणगे इस तरीके दे नाल। हुण तुसीं देख सकते हो कि सारे मसाले चंगी तरह मिर्चां दे नाल एकदम जिहड़े लिपट गए हन, तो बहुत ही वधिया हुण आपणा देखण च अचार लग रहा है। हुण एक वड्डा चम्मच इहदे विच आपां सिरका ऐड कर देवांगे। सिरका पाउण नाल एक तां अचार खराब नहीं हुंदा, दूसरा अचार विच बहुत ही वधिया हल्की जी खटास भी आउंदी है, तो मिक्स कर देवांगे। हुण आपां इस मिर्च के अचार नूं किसी कच दी डब्बी विच पा के रख लवांगे। तुहाडे कोल जे कच दी डब्बी ना होवे तो तुसीं इत्थे प्लास्टिक की डब्बी भी यूज़ कर सकते हो, पर जिहड़ी भी चीज़ विच अचार पाउणा है एकदम सुक्की हुई ड्राई होनी चाहीदी है, बिल्कुल भी गिल्ली नहीं होनी चाहीदी। तो धुप विच सुका के ये वाली डब्बी मैं ली है। अचार नूं विच विच हिलाउंदे रहांगे तो 3-4 दिन विच ही अपना अचार जिहड़ा है खाण वास्ते बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अचार नूं गिले हाथ या गिला चमचा बिल्कुल नहीं लगाना, अचार नूं हमेशा सुके चमच नाल ही तुसीं कढ़ना है। अचार तुहाडा 1 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होएगा। हुण तुसीं भी मेरे तरीके नाल इह हरियां मिर्चां दे अचार दी रेसिपी जरूर ट्राई करना, फिर मैनूं दसना कि तुहाडा अचार किस तरह बणिया। तां फिर मिलदे हां किसे इस तरह दी होर टेस्टी ते डिलीशियस रेसिपी दे नाल। उदों तक लई सति श्री अकाल।